किसी भी आप दलाल के साथ में अगर आप जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो कम से कम दलाल का 6% से लेकर 10% तक उसका कमीशन रहता है। अब किसी भी आप दुकान में जा रहे हो, आपने 2 लाख रुपए का माल परचेज किया, आपने कमाया नहीं कमाया वो बात की बात होती है, दलाल का 10% के हिसाब से 20,000 रुपया पक्का हो चुका है। दोस्तों, आज मैं सूरत के एक ऐसे अनजान रिश्ते के बारे में बताना चाहता हूँ आपको, जिससे आप अपना कितना बड़ा नुकसान करते हो और आप उससे आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को कैसे कम कर लेते हो। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं रितेश मोदी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप फर्स्ट टाइम सूरत आते हो, किसी भी माध्यम से आते हो, जैसे आप यूट्यूब देख के आते हो, फेसबुक देख के आते हो, या कोई भी माध्यम जिससे आप अवगत होते हो वो देख के आते हो, और सूरत आने के बाद में आपको रेलवे स्टेशन के बाहर आपको ऐसे अनजान शख्स के साथ परिचय हो जाता है जिसको यहाँ पे सूरत के अंदर एजेंट या दलाल बोला जाता है। वो आपको दलाल आपको बोलता है कि आप हमारे साथ चलो, हम आपको फैक्ट्री में ले जाते हैं, और फैक्ट्री की बातें करके ऐसी ऐसी बातें कर देता है जिसमें आप उनके बहकाव में आ जाते हो। दोस्तों, असली मैन्युफैक्चरिंग की पहचान कैसे होती है मैं आपको बताना चाहता हूँ। असली मैन्युफैक्चरर होता है जिसके पास क्वांटिटी हो। क्वांटिटी का मतलब ये नहीं होता कि पूरा दुकान भरा हुआ हो उसके पास में। क्वांटिटी का मतलब होता है कि जिस प्रोडक्ट को आप चूज़ कर रहे हो उस प्रोडक्ट के अंदर उसके पास में कितनी मात्रा के अंदर माल है। दोस्तों, कोई भी माल जब बनाते हैं तो कम से कम 1200 मीटर का एक कलर, सिंगल कलर बनाना पड़ता है, तो उसको एक क्वांटिटी बोला जाता है। सिंगल कलर मतलब 400 पीस 500 पीस की एक कलर की साड़ी एक डिजाइन के बनाए तो उसको मैन्युफैक्चरर बोला जाता है, ना कि पूरे माल भरा हुआ है, पूरी फैक्ट्री दिखा रहे हैं आपको, वो कोई मैन्युफैक्चरर नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, सूरत में क्या होता है, जब भी नए व्यापारी आते हैं यहाँ पे, ऑटो रिक्शा वाले, यहाँ पे फुटपाथ पे जो दलाल लोग होते हैं, उन दलाल लोगों के साथ में आप लोग संपर्क में आते हो, वो आपको कैसी कैसी बातें करता है। जैसे आप यहाँ पे आते हो, जैसे ही सूरत आते हो तो आप बोलते हो कि मैं उड़ीसा से हूँ, तो वो उड़ीसा का आपको नाम लेता है, मेरा उड़ीसा में ये पहचान है, मेरी ये पहचान है, मैं उड़ीसा का ही हूँ। वो कोई उड़ीसा का हो या ना हो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन वो अगर उड़ीसा का भी है तो वो आपके लिए अनजान ही है। आप अपना 50,000 लाख 2 लाख जो भी आपका माल लेने आते हो, आप खाली उनकी बातों से आपके वो बहकाव में आ जाते हो और उसके साथ परचेसिंग आप कर लेते हो। जहाँ पे भी आप परचेसिंग करते हो उसके अंदर आपको क्या नुकसान होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी आप दलाल के साथ में अगर आप जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो कम से कम दलाल का 6% से लेकर 10% तक उसका कमीशन रहता है। अब किसी भी आप दुकान में जा रहे हो, आपने 2 लाख रुपए का माल परचेज किया, आपने कमाया नहीं कमाया वो बात की बात होती है, दलाल का 10% के हिसाब से 20,000 रुपया पक्का हो चुका है। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि दलाल के भरोसे मत चलिए। आप जहाँ भी, जिस भी कंपनी का आप वीडियो देखते हैं, उस कंपनी का आप नोट करके वहाँ से ही निकले कि इस कंपनी में मेरे को विजिट करना है, ना मेरे को दलाल वालों के पास जाना है, ना होटल वालों की किसी की सुननी है, ना कोई रिक्शा वालों की सुननी है। जी हाँ दोस्तों, आप वहाँ पे भी जहाँ से आप आते हो वहीं आप सोच के आइए कि मेरे को इन इन फर्मों में मेरे को जाना है, इन इन फर्मों से मुझे परचेसिंग करनी है। उसी के साथ में क्या होगा, आपका आपको एक ट्रस्ट आएगा साथ में जाने से। आप 2 दिन के लिए आते हो या 1 दिन के लिए आते हो, तो 2 दिन के लिए अगर आप आते हो तो पहले दिन आप सर्व कीजिए कि आपके पास में जो आप लिस्ट बना के लाए हो उसके अंदर परफेक्ट कौन है। जो परफेक्ट लगे, जिसकी रेट आपको कम लगे, आप उनसे व्यापार कीजिए दोस्तों, ना कि आप कोई एजेंट और दलाल के साथ में उनके बहकाव में आके दूर दूर की फैक्ट्रियाँ या कोई भी फैक्ट्री के बताता है कि मेरी फैक्ट्री है, उससे आपका 100% आपका नुकसान होना है, आप कभी फायदे में नहीं जा पाओगे। दोस्तों, साथ में ये मैं बोल देता हूँ, अनजान रिश्ते मत बनाइए आप। वो आपको बोलता है कि मैं राजस्थान से हूँ, आप बोलते मैं भी राजस्थान से हूँ, और आपकी दोस्ती ऐसी हो जाती है जैसे आप मतलब बहुत वर्षों से जानते हो। जी नहीं दोस्तों, आप जब माल लेके जाते हो, उसके साथ में गए और आपने माल ले लिया, उसी टाइम वो रिश्ता ख़त्म हो चुका होता है दोस्तों। उसके बाद में क्या होता है, आप उसको अगर कभी भी याद करोगे तो वो आपको कभी पहचानेगा भी नहीं और आपको भूल भी जाएगा। उसका काम हो चुका है, आपको माल दिला चुका है, उसका काम होने के बाद में वो कुछ भी याद नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, सीधा कंपनी से संपर्क करें, सीधा कंपनी के साथ रिश्ते बनाएं, तय करें कि किस कंपनी की रेट सस्ती है, उससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है, ना कि एजेंट और जो एक दिन के जो दलाल होते हैं उनसे फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, आपको माल ले जाने के बाद में आपको बेचना होता है और बेचने के बाद में आपका शुद्ध मुनाफा निकलता है। तो दोस्तों, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी दलाल, रिक्शा वाले, होटल वाले के बहकाव में नहीं आए। डायरेक्ट आप
जहाँ से जब आते हो, जैसे आप महाराष्ट्र से आते हो, साउथ से आते हो, गुजरात से आते हो, कोई भी स्टेट से अगर आप आते हो, तो वहीं से ही डिस्कस करके अपने परिचित से या अपने जो आपके लाइन के काम करने वाले लोग हैं या आपके स्टाफ है उनके साथ में आप काम बातचीत करके आए कि इन फर्मों में अपने को जाना है, उन्हीं फर्मों में डायरेक्ट जाने की कोशिश करें, जिससे आपका व्यापार में सीधा मुनाफा आपको जुड़ेगा, ना कि बिचौलियों को जुड़े। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, आप डायरेक्ट कंपनी में विजिट करें और उसके साथ में सीधा संबंध रखें। दोस्तों, केसरी टेक्सटाइल कंपनी सूरत की एक लीडिंग कंपनी है, जो साड़ी, कुर्ती, सूट, ब्लाउज सब चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करती है, और कम से कम रेट में हम लोग प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे बीच में ना तो कोई दलाल है, ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टू सीधा रिटेलर या होलसेलर को कपड़ा प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा मिल सकते हैं, वो हम लोग सर्विस देते हैं। तो दोस्तों, आप एक बार केसरी टेक्सटाइल कंपनी ज़रूर विजिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।